लोकसभा स्पीकर कौन होगा इसका फैसला अब वोटिंग के जरिए होना है। एनडीए की तरफ से ओम बिड़ला और एनडी गठबंधन की तरफ से के सुरेश ने नामांकन कर दिया है। इस तरह भारतीय संसदीय इतिहास के में अगर 72 सालों में के बाद अगर देखें तो स्पीकर के चुनाव की नौबत आई थी। एक तरह से संसदीय परंपरा जैसी रही है कि स्पीकर का चुनाव सर्वसम्मति से ही होता रहा, इसीलिए इस बार भी कंसेंसस बनाने की पूरी कोशिश की गई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कांग्रेस के केसी वेणुगोपाल को अपने दफ्तर में बुलाया, वो आए भी, लेकिन स्पीकर को लेकर बातचीत शुरू हुई, लेकिन उन्होंने एक शर्त रखी और उन्होंने कहा कि राजनाथ जी पहले यह तय कर दीजिए कि डिप्टी स्पीकर विपक्ष का ही होगा। राजनाथ सिंह ने कहा कि डिप्टी स्पीकर पर बात आगे की जा सकती है, फिलहाल स्पीकर का मसला निपटा लेना चाहिए, लेकिन राहुल का ऑर्डर लेकर पहुंचे वेणुगोपाल अपनी शर्त से एक इंच भी पीछे हटने को तैयार नहीं थे। राजनाथ भरोसा नहीं दे रहे थे, इसलिए वेणुगोपाल वापस लौट गए और थोड़ी देर बाद ये खबर आ गई कि इंडी गठबंधन स्पीकर पद के लिए अपना कैंडिडेट उतारेगा। कांग्रेस के सुरेश ओम बिड़ला को चुनौती देंगे। इससे पहले स्पीकर पद के लिए सिर्फ एक बार चुनाव हुआ था और वो है 1952 में। तब पंडित नेहरू पहले से ही जो स्पीकर थे जीवी मालवंकर, उनको ही लोकसभा के लिए एक तरीके से स्पीकर बनाना चाहते थे, लेकिन शंकर सांताराम मोरे ने उनको चुनौती दे दी। फिर वोटिंग हुई, संसद में मालवंकर को 394 वोट मिले और सांताराम को सिर्फ 55। मालवंकर स्पीकर चुन लिए गए। इस तरीके से स्पीकर पद को लेकर जो पहली लड़ाई थी उसके 72 सालों बाद अब एक बार फिर से वो लड़ाई देखने को मिल रही। तो स्पीकर के चुनाव को लेकर इतिहास और वर्तमान की कई और भी दिलचस्प कहानियां हैं जिसको हम आगे बताएंगे, लेकिन उससे पहले एक बार देख लेते हैं कि आज का सवाल क्या है मूड मीटर में, जिसका कि देना है आपको जवाब, तो जरा जल्दी से देखते हैं। सवाल नंबर एक, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर को लेकर विपक्ष की चाल को आप कैसे देखते हैं? और ऑप्शन ए है, विपक्ष जानबूझकर अड़ंगा लगा रहा है। ऑप्शन बी है, मोदी को परेशान करने की साजिश है। और ऑप्शन सी है, उम्मीदवार उतारना विपक्ष का हक है, ये विपक्ष का काम है, सरकार को चुनौती देना वो कर रहा है। तो आप कैसे देखते हैं इस लड़ाई को, जरा आप हमें बताना शुरू करिए। आपके सामने QR कोड आ चुका है, आप स्कैन करके जवाब दे सकते हैं। स्पीकर पद को लेकर ममता और शरद का स्टैंड क्या कहता है, सवाल नंबर दो। और ऑप्शन है, इंडिया गठबंधन में ये बड़ी फूट दिखाई देने लग गई है। ऑप्शन बी है, राहुल के नेतृत्व पर लोगों को भरोसा नहीं है इसलिए इस तरह की बात आ रही है। और ऑप्शन सी, विपक्षी गठबंधन में सब ठीक ठाक है, इसको किसी और तरीके से पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो ये है सवाल नंबर दो। और सवाल नंबर तीन दिखाइए, डिप्टी स्पीकर पद पर परंपरा तोड़ने के आरोप को आप कैसे देखते हैं? इसमें ऑप्शन है आपके सामने, बीजेपी परंपरा तोड़ रही है, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी, कांग्रेस बेवजह मुद्दा बना रही है। और ऑप्शन सी, कांग्रेस संसद नहीं चलने देना चाहती है इसलिए इस तरीके की अड़ंगेबाजी कर रही है। तो ये है आपके सामने मूड मीटर के तीन सवाल जिनका कि आपको देना है जवाब, और जवाब कैसे देना है ये आपको पता है कि आपकी स्क्रीन पर जो QR कोड दिखाई दे रहा है इसको जैसे ही आप स्कैन करेंगे आपके सामने इन्हीं तीनों सवालों की लिस्ट खुल जाएगी, और फिर अपना जवाब भर के उसे सबमिट करिए और आखिर में अपनी डिटेल जरूर भरिएगा क्योंकि उसी के आधार पर हम हर रोज 4 लकी वोटर का भी चुनाव करते हैं। तो आप फटाफट स्कैन करिए और वोट देना शुरू करिए और हम एक बार फिर से लौट कर आते हैं आज के मुद्दे पर। तो इस बार विपक्ष ने डिप्टी स्पीकर की मांग करके जो पेच फंसाया है उसको जरा समझिए। विपक्ष आरोप लगा रहा है कि मोदी संसदीय परंपरा के खिलाफ काम कर रहे हैं। ऐसे में आपको जानना चाहिए कि यह संसदीय परंपरा क्या है और कांग्रेस ने इसे किस तरीके से अपने समय में किस तरीके से निभाया। जिस परंपरा की बात आज कांग्रेसी कर रहे हैं उस परंपरा की शुरुआत कांग्रेस ने नहीं की बल्कि कांग्रेस के विरोधी नेताओं ने की। 1977 में जब जनता पार्टी की सरकार बनी, पहली बार जनता पार्टी की सरकार जब बनी, तब समाजवादी नेता मधु लिमये ने डिप्टी स्पीकर पद पर सत्ताधारी दल के लोगों को बिठाने का विरोध किया। उन्होंने कहा कि इसे जो डिप्टी स्पीकर का पोस्ट है ये विपक्ष को देना चाहिए, और उसके बाद कांग्रेस के गोड़े मुरहरी को डिप्टी स्पीकर बनाया गया। 1977 से पहले जब भी कांग्रेस की सरकार रही, ज्यादातर कांग्रेस की सरकार रही, तो
कांग्रेस ने या तो अपनी पार्टी के किसी नेता को या अपने सहयोगी दल के नेताओं को डिप्टी स्पीकर पद पर बिठाया, एक तरीके से अपने सहयोगी पार्टियों को गिफ्ट के तौर पर डिप्टी स्पीकर का पोस्ट देती रही। जनता पार्टी की सरकार जाने के बाद 1980 में जब दोबारा इंदिरा गांधी सत्ता में लौटी तो एक बार फिर से उन्होंने उसी कांग्रेसी परंपरा को दोहराया जिसमें स्पीकर और डिप्टी स्पीकर दोनों सत्ताधारी खेमे के होते थे। मधु लिम्बे की बनाई गई नई परंपरा को तोड़कर इंदिरा गांधी ने अपने सहयोगी डीएमके के जी लक्ष्मणन को डिप्टी स्पीकर बनाया था। जब राजीव गांधी सत्ता में आए तो उन्होंने भी वही पुरानी कांग्रेसी परंपरा निभाई। इंदिरा गांधी के नक्शे कदम पर चलते हुए राजीव गांधी ने अपने सहयोगी एआईडीएमके के एम थंबीदुरई को डिप्टी स्पीकर की कुर्सी दी थी। 1991 में जब नरसिम्हा राव की सरकार बनी, जब वो प्रधानमंत्री बने, तब उन्होंने फिर से मधु लिम्बय की जो परंपरा थी उसको आगे बढ़ाया और उन्होंने बीजेपी के एस मल्लिकार्जुनैया को डिप्टी स्पीकर बनवाया। फिर जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार बनी तो उन्होंने कांग्रेस के पीएम सईद को लोकसभा में डिप्टी स्पीकर का पद दिया। मनमोहन के टाइम में भी एक तरीके से परंपरा जारी रही और शिरोमणि अकाली दल के चरणजीत सिंह अटवाल को डिप्टी स्पीकर की कुर्सी दी गई। तो आप अगर इसको गौर से देखिएगा तो आपको समझ में आएगा कि जिस संसदीय परंपरा की बात कांग्रेस आज कर रही है उसको लेकर उसका अपना ट्रैक रिकॉर्ड कितना खराब रहा है। और ये आप देख रहे हैं। रही बात एनडीए की, तो बीजेपी के नेतृत्व में एनडीए ही वो पार्टी रही है या गठबंधन रहा है जिसने संसदीय इतिहास में पहली बार डिप्टी स्पीकर पद तो छोड़िए स्पीकर भी विपक्ष का बनवाया। अटल बिहारी वाजपेयी सरकार के वक्त कांग्रेस के पीए संगमा स्पीकर बनाए गए थे और वो कांग्रेस के थे और वो भी सर्वसम्मति से। तो इतिहास बताता है कि कांग्रेस जब भी अकेले अपने बहुमत कि उसे अकेला अपने दम पर जब बहुमत मिला वो सत्ता में रही तब डिप्टी स्पीकर का पद विपक्ष को देने की परंपरा को उसने हमेशा ताक पर रखा, उस पर बिल्कुल गौर नहीं किया। लेकिन जब नंबर कम आए तो उन्होंने दबाव में विरोधियों को डिप्टी स्पीकर का पद दिया। शायद यही सोच मोदी सरकार पर थोपने की कोशिश की जा रही है। लेकिन कम से कम उसे अपने घर में तो इस बारे में बात कर लेना चाहिए था। कम से कम इंडी ब्लॉक के जो नेता हैं और जो पार्टी हैं उनसे तो इस पर राय मशवरा करना चाहिए था। इधर ये ऐलान हुआ कि के सुरेश इंडी ब्लॉक के इंडिया ब्लॉक के स्पीकर होंगे, उनके उम्मीदवार होंगे और उधर बवाल हो गया। कांग्रेस की तरफ से के सुरेश को इंडिया ब्लॉक के उम्मीदवार बनाए जाने पर तृणमूल कांग्रेस इस तरह नाराज हो गई कि उन्होंने कहा कि उम्मीदवारी का ऐलान करने से पहले उनसे बात नहीं की गई टीएमसी से। इसीलिए के सुरेश के नामांकन पर तीन बड़े दल तो साइन कर चुके हैं लेकिन अभी तक टीएमसी ने इस पर साइन नहीं किया। माना जा रहा है कि कांग्रेस के इस तरह अकेले फैसला लेने को लेकर टीएमसी नाराज है। दूसरी तरफ एनसीपी के शरद पवार गुट के जो प्रमुख हैं शरद पवार, उन्होंने भी ये कहते हुए कांग्रेस की हवा निकाल दी कि उन्होंने सत्ता पक्ष को स्पीकर का पद निर्विरोध तौर पे देने का आइडिया दिया था। और अगर सही तरीके से देखें तो अब तक ये संसदीय परंपरा यही रही है कि जो स्पीकर होता है वो हमेशा सत्ताधारी पार्टी का होता है, लेकिन इस बार उसका भी विरोध किया जा रहा है और उसके लिए चुनाव हो रहे हैं। तो एक तरीके से देखा जाए तो शरद पवार स्पीकर पद को लेकर कोई चुनाव नहीं चाहते थे। और यहां पे एक साफ साफ दिख रहा है कि सरकार बनने के बाद जो पहली आमने सामने की लड़ाई थी उसमें विपक्ष बिखरा हुआ नजर आ रहा है। अभी तो बहुत सारी लड़ाइयां बाकी है, आगे पता नहीं क्या होने वाला। इस बीच एक और जो डिप्टी स्पीकर पद को लेकर जो परंपरा निभाने वाली बात की जा रही है, जो कांग्रेसी जिद सामने आ रही है, उसको लेकर एक और दिलचस्प लिस्ट आपके सामने आई है और आज सोशल मीडिया पे तैर रही है। एक बार जरा उसको देख लीजिए फिर हम आपको बताते हैं कि वो क्या लिस्ट है और उससे उसमें क्या मैसेज है। तो ये जो अगर आप देखेंगे आपके सामने जो आपके स्क्रीन पे है जरा एक बार दिखाइए। इसमें जरा उन राज्यों का जिक्र है जहां पर कि या तो कांग्रेस या विपक्ष के दूसरे पार्टियों की सरकारें हैं। उन राज्यों में क्या स्थिति है, वहां विधानसभा में स्पीकर और डिप्टी स्पीकर किस तरीके से उसका बंटवारा हुआ है। तो पश्चिम बंगाल में देखेंगे टीएमसी की सरकार है, यहां पर आप देखिए स्पीकर और डिप्टी स्पीकर दोनों टीएमसी के हैं। उसी ढंग से तमिलनाडु में देखेंगे डीएमके की सरकार है, वहां स्पीकर और डिप्टी स्पीकर दोनों पोस्ट डीएमके के पास है। इसी तरीके से आगे के राज्यों में भी देखिए कर्नाटक कांग्रेस की सरकार,
यहां पर भी स्पीकर डिप्टी स्पीकर दोनों कांग्रेस के हैं। पंजाब में आपकी सरकार है, उसमें आप देखिए स्पीकर डिप्टी स्पीकर अगेन आप देखेंगे दोनों आपके हैं, आम आदमी पार्टी के हैं। तो इस तरीके से और भी राज्यों में देखेंगे, दिल्ली में भी यही हालत है, हिमाचल प्रदेश में भी यही है। जो सत्ताधारी पार्टी है स्पीकर और डिप्टी स्पीकर दोनों ही उनकी पार्टियों के हैं। आगे और भी दिखाइए, अगर और भी स्टेट्स हैं तो जैसे अगर आप देखेंगे उसमें तेलंगाना और झारखंड है, तेलंगाना झारखंड में भी कमोबेश यही स्थिति है, वहां पर वैकेंट है लेकिन डिप्टी स्पीकर का पोस्ट, लेकिन जो स्पीकर है, जो डिप्टी स्पीकर का जो पोस्ट है वो विपक्ष को नहीं दिया गया। तो इस तरीके से आप साफ साफ देख सकते हैं कि किस तरीके से जो जिस संसदीय परंपरा की बात कही जा रही है उस संसदीय परंपरा को निभाने के मामले में कांग्रेस और विपक्षी पार्टियों का अपना भी जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो कोई बहुत अच्छा नहीं रहा, बल्कि यूं कहें कि कम से कम बीजेपी के मुकाबले तो खराब ही कहा जाएगा। तो इसीलिए दोहरे मापदंड की बात उठ रही है और इसीलिए सवाल ये भी उठ रहा है कि भाई कम से कम इतनी बड़ी लड़ाई अगर लड़नी भी थी तो कम से कम एक पहली लड़ाई थी तो एकजुट होकर के तो कांग्रेस के बीजेपी के सामने खड़े होते, एनडीए के सामने खड़े होते, वो भी नहीं दिखता। तो इसी यही सारे सवाल हैं जिसको लेकर कि आज हम अपने मेहमानों के पास चलेंगे। हमारे साथ चार खास मेहमान हैं। शिवम त्यागी हैं हमारे साथ, बीजेपी के प्रवक्ता हैं, करण वर्मा हैं पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, जगदीश शर्मा कांग्रेस के नेता हैं और बादल देवनाथ टीएमसी के नेता हैं। आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। जगदीश शर्मा, सबसे पहला सवाल आपसे कि भाई अगर आपने तय ही कर लिया था कि नहीं हम चुनौती देंगे एनडीए के कैंडिडेट को और हम नहीं मानेंगे सर्वसम्मति से जो एक तरीके से स्पीकर चुनने की परंपरा रही है, संसदीय परंपरा जो कि पिछले 70 सालों से ज्यादा समय से चली आ रही है, अगर उसको नहीं भी मानने का आपने फैसला किया तो कम से कम आपस में तो राय मशवरा कर लिया होता, आपस में तो सलाह मशवरा कर लिया होता। देखिए रंजीत भाई, ये तो आप कह रहे हैं, देश की जनता देख रही है अंदर क्या हुआ है, ये बात तो आप नहीं जानते हैं। समय का इंतजार करना चाहिए था, इतनी जल्दी खुलासे नहीं करने चाहिए थे आपको। और रही बात के करना क्यों पड़ा, आपने पिछली लोकसभा में देखा किस तरह से जो मेंबर पार्लियामेंट को मुकदमा बाहर कर दिया गया, बाहर बैठा दिया गया, मन मर्जी फैसले करें। कहना कहीं आप एक पत्रकार हैं, अच्छे पत्रकार हैं, जनवन इस तरह बताते कि इसलिए डिप्टी सीएम अगर वो हम ले लीजिए, हम तो पिछली बार भी दे दिया था, पर क्या अगर ये दे दें डिप्टी सीएम? भाई जब स्पीकर बैठा है तो आप सोचिए बीमार भी हो सकता है, पेट में दर्द भी हो सकता है, डिप्टी स्पीकर काम करेगा तो इसमें बुरी क्या बात थी, इसमें क्या झगड़ा करना चाहिए था, दे देते। जब आप समर्थन मांगने हैं तो समर्थन देना भी सीखो, सबका साथ सबका विकास तो जब समझ में आता, पर इनको तो अपना वही दिखाना है ना, हमने क्या करना क्या लूटना है। आज आप पार्लियामेंट में आप देख रहे हैं, आज शपथ ले रहे हैं, ये कोई कहीं के नारे लगा रहा है, कोई जय हिंदू राष्ट्र कह रहा है, इनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए, ये हमारे संविधान में नहीं है। तुरंत डबल इंजन के सरकार को राष्ट्रपति को इन पर एक्शन लेना चाहिए, यह भी चर्चा होनी चाहिए। कहने के मैं समझता हूं तो राहुल गांधी जो संविधान की किताब उठा रहे हैं पहले दिन से कह रहे हैं संविधान का मजाक उड़ाएंगे, तो भाई जो संविधान की किताब उठाने वाले लोग हैं, जो संविधान की किताब चमका रहे हैं सदन में और सदन के बाहर, उनसे उन्हीं से तो सवाल किया जा रहा है कि भाई अगर आपको इतनी संसदीय परंपराओं की फिक्र है तो आप जरा उसका ध्यान अपने राज्यों में भी रख लेते जहां आपकी सरकार है। भाई अभी तो अभी सरकार आपकी बनी है तेलंगाना में आपने क्यों नहीं डिप्टी स्पीकर का पद दिया बीजेपी को, वहां तो बीजेपी भाई वहां खाली है, वहां भी तो बीमार पड़ सकता है स्पीकर, वहां भी तो स्पीकर बीमार पड़ सकता है ना, बीजेपी ने मांगा और जहां आपकी सरकार है और जहां कुमार जी मेरा सवाल है क्या बीजेपी ने विपक्ष का मांगा? भाई आपने आप सुनते नहीं हो भाई, मैं कह रहा हूं हिमाचल प्रदेश में आपकी सरकार है, हिमाचल प्रदेश में डिप्टी स्पीकर और स्पीकर दोनों आपकी पार्टी के हैं, कुलदीप सिंह पठानिया स्पीकर हैं और विनय कुमार डिप्टी स्पीकर हैं, दोनों ही कांग्रेस के हैं। कर्नाटक में भी यही स्थिति है, कर्नाटक में भी आप देखें कि कांग्रेस के स्पीकर और डिप्टी स्पीकर उनको मांगना चाहिए, फिर तो आपको पहाड़े पड़े जा रहे हैं, ये दोनों जो है आप सुनते नहीं हो, पार्टी के क्यों है विपक्ष को मांगना चाहिए ना, जैसे आज हम मांग रहे हैं भाई, नैतिकता की जिम्मेदारी से मांगना चाहिए, हम देते, मांगा तो है नहीं, बिना मांगे कौन किसको क्या देता, हम तो मांग रहे हैं, आप ले लीजिए स्पीकर डिप्टी स्पीकर दे दीजिए, परंपरा जो है परंपरा मांग तो आपने मांगा नहीं, अगर परंपरा निभाने के लिए अगर तो फिर परंपरा ही क्या हुई भाई, जब उसके लिए लड़ना पड़े उसके लिए मांगना पड़े तो फिर परंपरा का सम्मान कहाँ रहा, परंपरा का सम्मान कहाँ रहा? शिवम त्यागी क्या संसदीय परंपरा? भाई एक मिनट आपकी बात पूरी होगी जगदीश शर्मा, मैं कह रहा हूँ
कि अगर कोई अच्छी संसदीय परंपरा है, आप चाहते हैं कि उसका पालन हो, तो आपको भी पालन करना चाहिए। और अगर उसके लिए लड़ना ही पड़ा तो फिर उस परंपरा को का सम्मान कहां रह गया। ये कह रहे हैं शिवम त्यागी कि भाई आपने मांगा नहीं इसलिए इन्होंने दिया नहीं। शिवम त्यागी कौन सी परंपरा, इस देश में ऐसी कोई परंपरा इन्होंने डाली ही नहीं कभी। 1952 का नेहरू का चुनाव, 1957 का नेहरू का चुनाव, 1962 का नेहरू का चुनाव, फिर उसके बाद 67 का चुनाव, फिर उसके बाद 1973, ये तमाम तरह के जो चुनाव रहे इनमें कोई डिप्टी स्पीकर नहीं दिया गया विपक्ष को, कभी नहीं दिया गया। इन इतने साल दर साल में जो है 74 तक कोई डिप्टी स्पीकर का पद जो है वो कभी विपक्ष को नहीं दिया गया। छोड़ दीजिए, ये तो पुराना समय हो गया। इसके बाद आप तेलंगाना आ जाइए, उसके बाद आप हिमाचल आ जाइए, उसके बाद अगर मैं बात करूं आपका तमिलनाडु आ जाइए, उसके बाद तमाम जगहों पर कर्नाटक में आ जाइए, किसको दिया डिप्टी स्पीकर का पद भाई? नहीं दिया आपने। तो नेहरू से लेकर राहुल तक जो है आज तक कभी अपने अपने समय में ज्यादातर किसी को दिया ही नहीं। आज आप कहते हो कि नहीं नहीं हमें डिप्टी स्पीकर का पद चाहिए। पद को भी छोड़ दीजिए, इस देश के डिफेंस मिनिस्टर ने और इस देश के गृह मंत्री भी वहां पर थे, ये कहा कि पहले स्पीकर पद का चुनाव हो जाने दीजिए, उसके बाद बैठकर हम सब बात करेंगे। ये तो पावर पॉलिटिक्स हो गई, ये तो ब्लैकमेल करने वाली स्थिति हो गई कि नहीं नहीं पहले आप जो है डिप्टी स्पीकर तय कीजिए, उसके बाद हम स्पीकर पर समर्थन देंगे। मैं मानता हूं कि कहीं ना कहीं अगर हम बात करें स्वतंत्रता और प्रणाली की, तो बेहतर स्वतंत्रता और प्रणाली तो यही होती कि हम कहीं ना कहीं जो है स्पीकर पद पर जो है अपना कैंडिडेट देते ही नहीं, और कैंडिडेट दलित कैंडिडेट देने का इतना ही इनको लगता है कि जरूरी है, आवश्यकता है, या इनकी राजनीति है। तो मैं तो कहता हूं उनको लीडर ऑफ ऑपोजिशन बना दीजिए ना, सुरेश जी को बनाइए, लड़ाइए, या फिर वो सिर्फ अपने लिए ही रखा हुआ है पद? बिल्कुल नहीं, राजनीति करने से कोई होगा नहीं। एक जमाने में इस देश के राष्ट्रपति को राष्ट्रपत्नी कहने वालों के लिए आज इतनी बुरी हालत हो गए हैं कि जहां पर वो स्पीकर पद जीत भी नहीं सकते, स्पीकर अपना बना भी नहीं सकते, बावजूद उसके एक नाम को पुश किया जा रहा है सिर्फ राजनीति। लेकिन शिवम त्यागी भाई, अगर 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 कोई स्वस्थ संसदीय परंपरा है तो उस परंपरा का निर्वाह करने में, उसे निभाने में इतनी भी कंजूसी क्यों भाई? अगर ये काम बीजेपी और एनडीए के लोग भी तो कर सकते थे ना, वो कह सकते थे कि भाई यहाँ डिप्टी स्पीकर का पद अगर देखा जाए तो ठीक है कि कांग्रेस के समय में एक अलग तरह की परंपरा रही, लेकिन बाद के समय में अगर देखें पीवी नरसिम्हा राव के बाद से अभी तक ये एक परंपरा जैसी रही है। हालांकि बीच में अगर पिछला 5 साल छोड़ दिया जाए तो डिप्टी स्पीकर का पद रहा ही नहीं जब, तो अगर इसके अलावा देखा जाए तो विपक्ष को दिया जाता है, तो भाई कह देना चाहिए था अगर आपको भी ये लड़ाई नहीं लड़नी थी तो ये शुरुआत ही, अगर आपको बहुत खराब नोट पे नहीं शुरुआत करनी थी तो आपको एक कह देना चाहिए था कि हाँ भाई चलिए हम दे देंगे। हम तो अभी भी कह रहे हैं, हम अभी भी कह रहे हैं, कहीं कोई दो राय नहीं, हमने तो कहा, बारंबार कहा, अगर हम इस बात को कह रहे हैं कि स्पीकर पद पर जो है कंसेंसस बिल्ड किया जाए और डिप्टी स्पीकर के लिए हम सब यही हैं, डिफेंस मिनिस्टर भी वही हैं, देश के गृह मंत्री भी वही हैं, सभी भाजपा और एनडीए के नेता भी वही हैं, हम बैठकर बात करने के लिए तैयार हैं, मतलब हम तैयार हैं, हम बिल्कुल उस बात से कहीं नहीं भाग रहे हैं। लेकिन आप अगर प्रेशर बनाकर ये चीजें करना चाहते हो तो लोकतंत्र में और संसदीय प्रणाली में उसकी कोई जगह नहीं है कि आप हमें किसी चीज पर वादा दीजिए तो ही हम जो है एक संसदीय परंपरा का पालन करेंगे। परंपराएं कहीं दबाव से पालन किया जाता है क्या? बिल्कुल नहीं। अगर वो इस बात को मानते तो मैं मानता हूं कि कहीं ना कहीं अगर वो स्पीकर कंसेंसस बनाने के लिए प्रयास तो दो तरफा होने चाहिए ना शिवम त्यागी, प्रयास तो दो तरफा होना चाहिए। अगर आप भी अड़े रहेंगे और वो भी अड़े रहेंगे तो कभी भी किसी मुद्दे पे कंसेंसस नहीं बन पाएगा, कभी सर्वसम्मति नहीं बन पाएगी। सर्वसम्मति बनाने की बात पीएम मोदी कर रहे हैं, लेकिन पीएम के कहने के बावजूद इतने बड़े फैसले पे, इतने बड़े मसले पे अगर सर्वसम्मति नहीं बनाई जा रही है, और वो भी तब जब शुरुआत हो रही है एक नई सरकार की, एक नए सदन, एक नए पार्लियामेंट में हम नई शुरुआत करने जा रहे हैं, अगर तब भी अगर हम सर्वसम्मति बनाने को लेकर के अगर प्रतिबद्ध नहीं दिखते हैं तो हमें लगता है कि आगे भी ऐसे ही समय बर्बाद होता रहेगा छोटी छोटी चीजों में। नहीं, मैं मानता हूं कि रंजीत जी बिल्कुल ऐसी बात नहीं है, हम तैयार हैं। हम तो कहते हैं फिर से, हम चाहते हैं संवाद स्थापित हो, हम चाहते हैं कि लोकतंत्र में किसी को दबाव की राजनीति नहीं करनी है, हम चाहते हैं कि पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, सदन चलाना हमारी जिम्मेदारी है, लेकिन सदन में सहयोग विपक्ष से अपेक्षित है। जनता ने अगर इस बार उनके एमपीज को बढ़ाकर भेजा है
तो उसका इशारा साफ है कि जनता इस देश में लोकतंत्र के मंदिर में बहस चाहती है, डिस्कशन चाहती है, डिस्कोर्स चाहती है, ना कि गुंडागर्दी चाहती है। जनता नहीं चाहती कि बादल देवनाथ को इस बहस में शामिल करते हैं। बादल देवनाथ फिर से किसी महिला मार्शल का अपमान करें। जनता चाहती है बहस हो और मुद्दों पर बहस हो। ठीक है, बादल देवनाथ भैया, जब स्पीकर देखा जाए तो मतलब सरकार बनने के बाद ये पहली आमने सामने की लड़ाई है, बड़ी लड़ाई थी। अगर वाकई विपक्ष इस लड़ाई को लड़ना चाहता है तो कम से कम पहली लड़ाई में तो एकजुट रहता। क्या पहली लड़ाई के पहले ही बिखर गया विपक्ष, ये आपका गठबंधन बिखर गया? अगर नहीं बिखर गया तो ममता बनर्जी क्यों साथ नहीं है? देखिए, पहले सबसे पहले आपको कहना चाहता हूं, ये राहुल जी अभी भी जूनियर लीडर है, अभी भी पार्टी एक आदमी, मान लीजिए दीदी ने इंडिया गठबंधन बना दिया, दीदी खुद कहा मेरा काम है सबको एकजुट करना, भाजपा के खिलाफ लड़ाई करना। दीदी ने बोला आपके पास, मोदी ने बोला आपके पास 400 बार, दीदी ने बोला इस बार पगड़ पर, पूरा लड़ाई हुआ पूरा देश में। इसके बाद मोदी जी को 240 सीट मिला, 240 में अटक किया। देखिए, पूरे देश के अंदर सबसे ज्यादा अनुभवी पॉलिटिकल लीडर ममता बनर्जी है। 7 बार का सांसद, 3 बार का विधायक, 3 बार का सेंट्रल मिनिस्टर, 3 बार का मुख्यमंत्री, इतना अनुभवी पूरे देश के अंदर अभी नहीं है, इंडिया गठबंधन के अंदर कोई भी नहीं है। लेकिन एक बार भी कोई ना खड़गे जी, ना सोनिया गांधी, ना राहुल जी, प्रियंका जी, कोई भी पार्टी के जनरल सेक्रेटरी, पार्टी के चेयरपर्सन, पार्टी के मुख्य सभा नित्य प्रेसिडेंट ममता दीदी के साथ कोई भी संपर्क नहीं किया, कोई भी नहीं किया। जगदीश शर्मा, जो जगदीश शर्मा, ये इंडिया भाई आप तोड़ने का कोशिश, क्योंकि 99 देखिए, बादल देवनाथ का दर्द समझिए कि भाई जिसने इंडिया गठबंधन बनाया, जिसने उसकी नींव रखी, वो लोग जो, वो तो पहले कुछ लोग निकल गए, जो बचे हुए हैं वो भी कितनी तकलीफ में है, जरा देखिए ये ऐसे कैसे एकजुट विपक्ष दिखेगा भाई। नहीं, बादल नाथ जी का दर्द ठीक है, बिल्कुल जेन्युइन है। आपका साउंड कम आ रहा है। बादल नाथ का बिल्कुल इनको पता नहीं है कि इनकी बात, हमारे खड़गे साहब के ऑफिस से बहन जी से बात हुई है, इनको पता नहीं है तो क्या कह सकता है, वो बेचारे दुखी है। दीदी खुद कह रही है, मैं बता रहा हूँ कल तक निर्णय आ जाएगा। दीदी खुद कह रही है, राहुल जी से बात करना चाहती हूँ, पाई हो पाई उनसे भी हो जाएगी। हाँ, कोई बात नहीं, अभी समय है, हो जाएगी बात, अभी रात बहुत लंबी है, हमने बता देना, अभी हो जाएगी बात। हाँ, रात बहुत लंबी है, कुछ ना कुछ निर्णय निकल जाएगा और इंडिया गठबंधन के फेवर में निर्णय निकलेगा। अरे तो भाई, तो उनको बयान अगर 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 किसी तरह के मतलब क्या होता है गठबंधन का, मतलब जब तक इलेक्शन था तब तक तुम सबके साथ मीटिंग करके जी टैलेंस का बात किया। जब अभी एक दिन अधिवेशन एक दिन हुआ, दूसरे दिन तुमने आप लोगों ने मिलकर अकेला नाम घोषित कर दिया, ये कैसे होता है? इसका नाम गठबंधन है, इंडिया गठबंधन है, लेकिन पार्टी के कांग्रेस को 99 सीट मिल गया, मतलब पूरे देश में इनका जीत नहीं हुआ। और इसको सोचना चाहिए आगे 2024 गया, 2029 पे क्या करना चाहिए, उससे पहले गठबंधन को तोड़ने का जो कोशिश करना, ये बिल्कुल गलत है, ये कांग्रेस का गलत डिसीजन है। और ममता दीदी जैसा इतना बड़ा अनुभवी लीडर पूरे देश के अंदर, इनके साथ एक बार भी कोई संपर्क नहीं किया, ये बिल्कुल गलत काम हुआ कांग्रेस का। और दूसरा बात है, विपक्ष के पक्ष पर एक तो जगदीश शर्मा, जगदीश शर्मा को कोई जवाब नहीं सूझ रहा है, जगदीश शर्मा को कोई जवाब नहीं भाई मैं सुन रहा हूँ क्या बोले नहीं रंजीत भाई मैं सुन रहा हूँ मैं अगर अपने भाई के दर्द को समझ रहा हूँ रंजीत भाई विपक्षी क्या रंजीत भाई को कैसे क्या कहेंगे फिर विपक्षी कैसे होते हैं अभी देखने वाली बात होगी भाई ये कह रहे हैं कि भाई गठबंधन बनने से बना भी नहीं तोड़ने में लग गई कांग्रेस नहीं गठबंधन तो गठबंधन है गठबंधन में कोई झगड़ा नहीं गठबंधन है ये सब कुछ अचानक होता चला भी रात बहुत लंबी है सबकी बात हो जाएगी थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए भाई के दुख को मैं समझता हूँ भाई के दुख को मैं समझता हूँ थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए अभी रात बहुत लंबी है अगर दुख समझते तो दुख का निवारण जाएगा सब बात हो जाएगी दुख तो कर दिया ना भाई को पता नहीं हो सही अपनी जगह दुखी है जब बड़ा भाई छोटा बहन भाई बात ना करे तो समस्या बनती है आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं पर थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए बात हो जाएंगी सबसे बात हो रही है करण वर्मा देखिए जरा अगर ऐसा गठबंधन है तो भाई जो तो लठबंधन कैसा होता होगा इसको देखकर तो ऐसा लग रहा है कि लठबंधन है
गठबंधन नहीं है। सोचिए रंजीत जी, अभी आगाज ऐसा है तो अंजाम कैसा होगा। और वैसे एक बात सोचिए जरा, ये जो इंडी गठबंधन जो ये लोग कहते हैं, 70-75 सीट में तो ये आपस में लड़के आए हैं। बंगाल में तो दीदी ने साफ तौर पे एक स्वर में कहा था कि ये सब एक ही तरह के हैं, बीजेपी कांग्रेस लेफ्ट सब एक ही थाली के हैं। अधीर रंजन चौधरी ने भी एक मिनट नहीं वेस्ट किया था ये कहने में कि दीदी जो है वो डिक्टेटर है। उन्होंने तो ये तक कहा भाई पंचायत चुनाव में हमारे कांग्रेस के वर्कर्स तक मारे गए थे। तो अधीर रंजन चौधरी जी ने तो बहुत आगे बढ़कर आवाज उठाई थी दीदी के विरुद्ध। अभी तो एलओपी की भी बात होनी है। आप देखिए जैसे ही चुनाव खत्म हुआ ये सब अपने अपने रास्ते दौड़ने लग गए। गोपाल राय ने निकलते कह दिया दिल्ली में कोई गठबंधन नहीं होगा आम आदमी पार्टी का। अखिलेश यादव सपा में भी सब कह रहे हैं भाई एलओपी कौन होगा, हमें क्यों नहीं कंसल्ट कर रहे एलओपी के लिए, एलओपी तो असल में तो हमने रोकी थी बीजेपी की गाड़ी यूपी में, तो एलओपी में भी हमारा नाम आना चाहिए। तो आप ये सामने दिख रहा है हमें। आज जब पहला मौका हुआ स्पीकर का तो टीएमसी के प्रवक्ता के साथ तो मेरी पूरी एम्पथी है, इन्होंने बिल्कुल सही बात कही भाई, ऐसे कैसे बड़े भाई का तरह बिहेव कर सकते हैं और अपना वेट थ्रो कर सकती कांग्रेस। ये तो कांग्रेस की पुलिस टैक्टिक्स है हमेशा से, ना कहीं कभी किसी को डिप्टी स्पीकर दिया, ना किसी एलआई का कभी ध्यान रखा। ये आपको लग रहा है टीएमसी को कि उनको साथ लेके चलेंगे, ये किसी को साथ नहीं लेके चलेंगे भाई, ये एक परिवार की पार्टी है, ये अपने परिवार वालों को ही साथ लेके चलेंगे। कांग्रेस से कितने लोग निकल चुके हैं इसकी अगर हम गिनती करने लग जाए एक शो लग जाएगा इसमें। तो इनसे उम्मीद करना कि एक गठबंधन चला के चलेंगे, ये तो चुनाव के लिए मिले थे उसमें भी 75 सीट आपस में लड़े थे, इसलिए ये इंडी गठबंधन इन्होंने कर लिया जो करना था। अब ये डूबती जगदीश शर्मा ये मान लिया जाए कि इंडिया गठबंधन के बिखराव की ये शुरुआत है और यहां से एक तरीके से इंडिया गठबंधन ब्लॉक पूरी तरह से बिखर जाएगा। पहली लड़ाई में जब ये हाल है तो आगे तो अभी बड़ी बड़ी लड़ाई है, अभी तो ये छोटी लड़ाई, अभी तो शुरुआत थी, तो अगर अभी ये हालत है तो आगे कैसे लड़ेंगे भाई मोदी से? देखिए हमारे हरियाणा में कहावत है कि रण तो रणपा कर ले पर ये रणवे करने भी ना दें, ये लोग मानते नहीं है। पीछे पर्दे के पीछे क्या क्या चल रहा बताइए ना, कि पर्दे के पीछे जो 100 दिन का एजेंडा था वो क्या था? यही तो था जो सामने खुल के आने लगा है, यही एजेंडा था जो खुल के आने लगा है। पर्दे के पीछे 15 दिन में देश का इतना बुरा हाल है, महंगाई को देख लिए, टोल को देख लिए, उस पर चर्चा नहीं है, उस पर चर्चा नहीं है, पर 15 दिन में ये कर क्या रहे 100 दिन का एजेंडा? अरे रोएंगे नीतीश भी, रोएंगे चंद्रबाबू नायडू भी, इनका काम यही है पैसे के बल पे धमकी बल पे यही तो दिखाना चाह रहे हैं, दिखाना यही तो चाह रहे हैं। नेता पागल हो गए क्या? महिलाओं के बारे में दिखाना यही तो चाह रहे हैं, करना क्या चाह रहे हैं? ये देश को लूटना चाह रहे हैं ये? अरे हमारे हरियाणा में कहा जाता है ये, कहा जाता है ये, कहा जाता है आपका काम लूटना है, आप धमकी दे रहे हैं, डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, आप चुनाव में आइए नहीं तो हम देख लेंगे। दिखाना क्या चाहते हैं आप? कौन सी मर्यादा का सम्मान कर रहे हैं? पैसे के पीछे आप किसी भाषा समझते हैं? आप लोग संविधान का मजा दे रहे हैं, राहुल गांधी लेकर चल रहे किताब, जगह जगह की बात करें, पहले दिन ही आपने माहौल खराब कर दिया, संविधान को लूटना चल दिया, संविधान के धज्जियां उड़ा रहे हैं। जगदीश शर्मा देखिए मैं कह रहा हूँ बहस मर्यादित तरीके से होना चाहिए, बहस मर्यादित तरीके से होना चाहिए, और जिस तरह की भाषा, जिस तरह के शब्द आप इस्तेमाल कर रहे हैं मुझे नहीं लगता है कि ये मर्यादित भाषा है। और इसका आप संसदीय मर्यादा की बात करने वाले लोग हैं और आप भाषा की मर्यादा भी नहीं रख रहे, संसदीय मर्यादा की बात तो क्या ही करेंगे आप और क्या लड़ेंगे फिर आप? संसद की मर्यादा को समझते कहां भाई? नहीं नहीं लेकिन आप नेशनल टेलीविजन पे हैं और अगर आप इस तरह की भाषा इस्तेमाल करेंगे, ऐसे शब्द इस्तेमाल करेंगे तो भाई क्या मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं भैया? क्या ये मर्यादा भाषा है? नहीं नहीं बिल्कुल बिल्कुल नहीं 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 जगदीश शर्मा आपको बिल्कुल ऐसे शब्दों से नहीं 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 ये ऐसे शब्द बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करने चाहिए, नहीं गलत बात है। मैं बादल देवनाथ के पास जाऊंगा। बादल देवनाथ भाई अगर मैं कह रहा हूं कि एक तो ठीक है आप तो दर्द तो आपका दिख ही रहा है, लेकिन मैं कह रहा हूं कि अगर ये वाकई ये लड़ाई अगर लड़नी थी और आपको लगता है कि एक संसदीय मर्यादा की बात अगर आप अगर संसद में चाहते हैं कि वो उठाई जाए और वहां पर वो बात स्थापित हो तो उसके लिए जरूरी है कि भाई आप जब आपकी बारी आए तो आप भी उसका पालन करें ना। तो आपने तो पश्चिम बंगाल में किसी को डिप्टी स्पीकर का पद नहीं दिया, आपने वो पद भी अपने पास ही रख लिया, अपनी पार्टी के नेता को दे दिया, तो वहां तो आप इसका पालन नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप चाहते हैं कि भाई लोकसभा में ये संसदीय मर्यादा है इसलिए इसका पालन करें मोदी। नहीं 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 ऐसा कोई बात नहीं है। विधानसभा में कोई भी आप विधानसभा के भी चर्चा लेके आए दूसरे स्टेट का बंगाल का, लेकिन ऐसा कोई रूल्स यहाँ पर नहीं है। लेकिन आज तक ऐसा कुछ नहीं हुआ ना, नेपता 34 साल गवर्नमेंट में हुआ, जब
उसके पहले जो कांग्रेस का उसमें गवर्नमेंट था बंगाल में, वहां पर भी डेप्यूटी स्पीकर स्पीकर कांग्रेस का भी था, कांग्रेस का था, लेफ्ट पे लेफ्ट के समय लेफ्ट पे था। और जो टीएमसी 2011 में यहाँ पर आया वही परंपरा चल रहा है। और डेप्यूटी स्पीकर के लिए आज तक कोई कोई भाजपा के विपक्ष को हो बा कोई लेफ्ट का वो कोई भी कांग्रेस कोई भी यहाँ पर डिमांड नहीं है डेप्यूटी स्पीकर विपक्ष को देना चाहिए। यहाँ पर ऐसा कोई चर्चा कहीं कोई नियम नहीं है। बादल देवनाथ कहीं कोई नियम नहीं है। पहली बात है लोकसभा में भी कोई ऐसा नियम नहीं है। लोकसभा में भी कोई ऐसा नियम नहीं है कि डिप्टी स्पीकर का पोस्ट विपक्ष को दिया जाएगा। कोई नियम नहीं है। लेकिन आज की तारीख में जो पूरा विपक्ष जिस संसदीय मर्यादा की बात कर रहा है, जिस संसदीय परंपरा की बात कर रहा है, वो परंपरा पिछले कुछ 5-7 सरकारों में वो निभाई गई। इसके पहले तो कांग्रेस की जब तक सरकार रही तब तक तो ये परंपरा कहीं थी ही नहीं कि विपक्ष को कहीं पर डिप्टी स्पीकर का पोस्ट दे दिया जाएगा। लेकिन जब से 2-4 सरकारों ने कम से कम ये इस बात को स्वीकार किया कि नहीं चलो विपक्ष की सदन चलाने में विपक्ष की भूमिका हो, इसमें इसके लिए जरूरी है कि डिप्टी स्पीकर उनको दे दिया जाए और वो दिया जाने लगा और आज उसी की दुहाई आप लोग दे रहे हैं, तो भाई कम से कम अपनी सरकार जहां जहां उनकी है विधानसभाओं में भी इसका ध्यान रखना चाहिए ना। ये कोई नियम तो है नहीं कि आपसे मांगा जाएगा, लेकिन ये अगर मर्यादा है तो मर्यादा तो खुद से निभानी होती है ना बादल देवनाथ। सर सुन लीजिए, मेरा 30 साल हो गया पॉलिटिक्स में, सुशाल काम में मेरा 30 साल चला गया। और मैं आपको क्या बोला, बंगाल में ऐसा चर्चा आज तक नहीं आया। कोई परंपरा का बात नहीं कर रहा हूँ, कोई रूल्स नहीं है, मैं भी जानता हूँ। लेकिन 1947 के बाद से जब कांग्रेस गवर्नमेंट था, लेफ्ट का गवर्नमेंट था, दीदी का गवर्नमेंट, आज तक ऐसा चर्चा नहीं आया। मैं आपको यही समझाने का कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन दिल्ली में क्या होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट क्या होता है, एक चर्चा चलता है जो 90% कांग्रेस को नहीं दिया कि उसके बाद डेप्यूटी स्पीकर देना चाहिए, एक परंपरा बना दिया, यही सब, कोई रूल्स नहीं है, मैं भी जानता हूं। लेकिन जब ठीक है, जगदीश शर्मा ये सुविधा की जो राजनीति है कि जब हमारी सुविधा होगी, जब हमारी बारी आएगी, हमें जो सूट करेगा हम वो करेंगे, लेकिन जब हम विपक्ष में होंगे तो हम कहेंगे कि भाई सरकार को ये करना चाहिए। हाँ, तो भाई अगर इस तरह की राजनीति करनी है तो ये दोहरे मापदंड वाली राजनीति कितने दिन चलेगी। रंजीत जी, आपका सवाल बिल्कुल जायजाज, आपको ये सवाल बीजेपी से करना चाहिए। आप कहते हैं कि कांग्रेस ने नहीं करा, हम बाहर बैठे हैं, सत्ता के बाहर बैठे हैं, कांग्रेस बाहर बैठा दिया जनता ने, अब क्या प्रधानमंत्री भी हमारी चाल चलेंगे? सवाल ये है, उनको तो करना चाहिए, तो उनको क्या ऑब्जेक्शन, क्या एतराज, उन्हें बाहुबली है, डबल इंजन है, बहुमत की सरकार है, क्या खतरा, किस बात का खतरा है? उनको तो त्यागी भाई बैठे हैं, आज अनाउंस कर देना चाहिए, डिप्टी सीएम दिया, झगड़ा खत्म, पार्लियामेंट का अगले काम करने चाहिए, इस पर चर्चा होनी चाहिए। हम तो कहते हैं कि हम तो गलत थे, चलो आपने कह दिया तो ये तो सही है, ये तो बहुमत की सरकार रही है, अब ये शुरुआत कर दें। शिवम त्यागी कह रहे हैं कि भाई हमने गलती, इन्हें स्वीकार कर लिया कि हमसे गलती हो गई, लेकिन कम से कम आप तो सही कर देते। नहीं, पहले तो भैया वो ना डिप्टी सीएम नहीं होता, डिप्टी स्पीकर होता है। और अगर आपको माफी भी मांगनी है तो अभी जो आपने इस देश के महिलाओं के लिए बोला है, सबसे पहले उस पर माफी मांगिए, बाकी कहीं और सब कुछ बाद में होगा। जो भाषा आपने बोली है, जो आप कहकर बचकर भाग नहीं सकते, अभी जो भाषा का इस्तेमाल आपने इस देश की और किसी भी महिला के लिए किया है, सबसे पहले हो सके तो उस पर माफी मांगिए, बाकी तो सारी चीजें बातें बाद में करना। हरियाणा की मेन, इतनी भी बेशर्मी नहीं होनी चाहिए, इतना भी गिरना नहीं चाहिए इंसान को कि आदमी कहावतें कहने में और बातें कहने में सारी सीमाएं लांघ जाए और टीवी पर बैठकर कुछ भी भाषा का इस्तेमाल करके नहीं मांगो। अगर जगदीश शर्मा ये कहां क्या बोली जाती है भाई, भाषा की मर्यादा सुनिए, जो कम से कम जो लोग पब्लिक लाइफ में रहते हैं, जो सार्वजनिक जीवन में रहने वाले लोगों को समझ में आना चाहिए कि कौन से शब्द संसदीय है, कौन से शब्द जो है वो मर्यादित है और कौन से अमर्यादित है, इतनी समझ होनी चाहिए। इसलिए मैं अगेन, उसको जस्टिफाई मत करिए, उसको जस्टिफाई मत करिए जगदीश शर्मा, अगर आपके मुंह से कोई बात फिसल गई, मुंह से निकल गई, तो माफी मांग लेने में कोई कोई छोटा नहीं हो जाता, उससे उसके बारे में सॉरी कह देने से कोई छोटा नहीं हो जाता। माफी मांगो, इधर भागो नहीं, माफी मांगो, कोई बहुत बुरी बात नहीं है, माफी मांगनी चाहिए, माफी मांगिए भाई, इस बात को माफी मांगो, इस बात को तरीका थोड़ी ना है
इस देश की बहनों को, इस देश की बेटियों को, माओं को गाली दे रहे हैं, चुपचाप निकल जाओगे आप क्या? जिस तरह के नारे लगे हैं, इनको माफी नहीं मांगनी चाहिए। ये हो रहा है, वो नहीं, संसद में जो नारे लगे वो अपनी जगह है, वो एक अलग डिबेट है, वो एक अलग डिबेट है जगदीश शर्मा। लेकिन जिस शब्द का आपने इस्तेमाल किया वो मर्यादित शब्द नहीं है, वो मर्यादित शब्द नहीं है, और वो सभ्य भाषा के दायरे में नहीं आती। वो भाषा की सभ्यता से अलग की चीज है। कम से कम आपको उसको उसको अगर आप नेशनल टेलीविजन पे आपके मुंह से निकल भी गया तो आपको उसके लिए माफी का, अगर सॉरी बोल देने में कोई बहुत कोई उससे छोटा नहीं हो जाता है तो माफी मांगिए। रोहित शर्मा, इतना ज्ञान नहीं चाहिए। मैंने बताया कि मैंने बताया, कहावत बताई है, हरियाणा की कहावत है, यानी कि इसका मतलब ये है कि गालियां जानबूझकर दे रहे हैं, यानी कि कांग्रेस का नेता जानबूझकर इस देश में गाली दे रहा है, संविधान का मजाक उड़ा रहे हैं। देश में किस तरीके की भाषा इस्तेमाल हो रही है मैं तो बोल भी नहीं सकता, रिपीट भी नहीं कर सकता। गंदे गंदे नारे जो इन्होंने कहा उसको बोला भी नहीं जा सकता, मैं तो नहीं बोल सकता। मैं क्या करूं शर्मा, बहुत सारी बातें आप ये हरियाणा में ऐसा बोला जाता है, कोई कह देगा यूपी में ऐसा बोला जाता है, लेकिन क्या बोला जाना चाहिए क्या नहीं बोला जाना चाहिए भाई, आप किसी क्षेत्रीय भाषा का नहीं, बिल्कुल कोई क्षेत्रीय भाषा में कोई बात अगर बोली जाती है, कोई ऐसी बात आपस में हल्के फुल्के अंदाज में, वो आप नेशनल टेलीविजन पे नहीं बोल सकते ना। और जो सभ्यता के दायरे में नहीं है, जो सभ्य भाषा के दायरे में नहीं है, उसको बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए। और अगर मुंह से निकल भी गई वो बात तो आपको उसके लिए सॉरी बोलने में आपको कोई छोटा नहीं महसूस करना चाहिए अपने आप। माफी होनी चाहिए, बाकी सब बातें बाद में। संविधान, लोकतंत्र, ईमानदारी, महिला शक्ति, महिला सेवा, लड़की लड़की सब बात में, ये जो कांग्रेस के नेता बैठकर यहाँ पर बोल रहे हैं, पहले इस पर माफी मांग कर जाए, बाकी सब बातें बाद में मांगनी चाहिए। जिस तरह संविधान का मजाक उड़ा रहे हैं, नहीं नहीं ये नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा, बिल्कुल ये नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा। विरोध करा इन्होंने, माफी मांगनी पड़ेगी, नहीं चलेगा, आगे चल ही नहीं सकते जब तक आप माफी नहीं मांगोगे, सॉरी तो देश को आगे बढ़ा ही नहीं जा सकता जब तक आप माफी नहीं मांगोगे। ऐसी बेशर्मी एक्सेप्ट कर ही नहीं जा सकती। मैंने तो कहावत बताई है, तुच्छ आदमी इस तरीके से गिर ही नहीं सकता इस लेवल पर। इतना कोई पब्लिक लाइफ में आदमी गिर ही नहीं सकता, इतनी बेशर्मी कर ही नहीं सकता। जो आपने कहा, और जो संसद में जो नारे लगे उसकी तुलना मत करिए, जो शब्द कोई आदमी दोहरा नहीं सकता। आप ऐसे ऐसे शब्द अगर आप यहाँ पे बोल रहे हैं नेशनल टेलीविजन पे, ये शर्मनाक बात है। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। क्या बोले संसद में, मैंने कहावत बताई है, अपनी बात पे अटल हूं। नहीं नहीं, लेकिन क्या आप उसको आकर बोलेंगे क्या भाई? भाषा की मर्यादा, भाषा की सभ्यता जो है उसका एक अपना दायरा है ना, जगदीश शर्मा, मांगनी पड़ेगी। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए, जो कम से कम सार्वजनिक जीवन में रहने वाले। आप कह रहे थे 20 साल से ज्यादा हो गए मुझे सार्वजनिक जीवन में, और आप अभी भी ऐसी बातें कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मांगे, डबल इंजन माने, लोकतंत्र संविधान से मांगे, देश को लूट कर आप कह रहे हैं हम जीत गए। ये नहीं कर सकते, मांगो देश की महिलाओं को गाली देके आगे नहीं बढ़ सकते। आपको डिबेट नहीं करनी, तो चले जाइए। महिलाओं को गाली देकर कांग्रेस आगे नहीं बढ़ सकती, नहीं दे सकती, हमारे ऊपर बिल्कुल नहीं दे सकती, आगे नहीं बढ़ सकते, आगे नहीं बढ़ सकते। माफी मांगनी पड़ेगी, संविधान को लूट रहे हो, माफी मांगनी पड़ेगी, चलने नहीं दे रहे हो। नहीं 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 जगदीश जी, माफी मांगनी पड़ेगी, गलतफहमी नहीं, बिल्कुल माफी मांगनी पड़ेगी। आगे नहीं बढ़ सकते, ऐसे आगे नहीं बढ़ सकते भाई, कैसे आगे बढ़ जाएंगे? नहीं नहीं, मैं ऐसे आदमी के साथ, ऐसे गिरे हुए स्तर के आदमी के साथ बहस नहीं कर सकता, कैसे कर लूंगा बताइए। जो आदमी खुलेआम इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे, कह रहे कि गांव में बोली जाती है, कहीं भी बोली जाती है, यहाँ नहीं बोली जा सकती भाई। विद्यार्थी करोड़ों महिलाएं जो है टाइम को देखती है, तो क्या गालियां दोगे? बहन बेटियों से नहीं दी जा सकती, जिनका तुमने गोद में लाने का काम किया, नहीं एक्सेप्ट हो सकता। माफी मांगनी पड़ेगी भाई, जिनका तुमने इज्जत लूटी, मांगनी पड़ेगी, किसानों को नहीं हो सकता, आगे नहीं बढ़ा जा सकता। तुम माफी मांगो, नहीं हो सकता, तुम्हें मांगनी है, मुझे नहीं चाहिए, मुझे मत दो इज्जत, तुम्हें मांगनी है। मैं करण वर्मा को शामिल कर लेता हूं इसमें। करण वर्मा, आप शिवम और जगदीश शर्मा का जो बहस है उसमें मैं आपको, चूंकि आप पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पे हैं, मैं एक निष्पक्ष जज के तौर पे आपको यहां शामिल कर रहा हूं कि भाई जिस तरह की भाषा इस्तेमाल की जगदीश शर्मा ने, क्या नेशनल टेलीविजन पे इस तरह की भाषा इस्तेमाल की जानी चाहिए? बहुत ही ज्यादा शर्मनाक भाषा का इन्होंने इस्तेमाल किया है, और कोई छोटा बड़ा नहीं हो जाता। अगर मुंह से भी फिसल गया है, मैं आग्रह करूंगा कि आप तुरंत तुरंत माफी मांगिए और इस मामले को यहीं खत्म करिए। जगदीश जी, इस बात को डिफेंड करके अपना चाल चरित्र मत दिखाइए, उससे और गंदा मैसेज जाए। माफी मांगिए, आगे बढ़िए, और बहुत मुद्दे हैं डिस्कस करने को। ओलंपिक गोल्ड मेडल जीतने वाली हमारी बेटियों से माफी मांगे, किसानों से माफी मांगे, ये चाल चरित्र दिख रहा है आपको जगदीश जी? जिनका मतलब अमर्यादित भाषा करेंगे और फिर संसद के मर्यादा की बात करेंगे, ये चाल चरित्र है कांग्रेस का? इमरजेंसी लगाएंगे और फिर संविधान की दुहाई देंगे?
ठीक है, मतलब करेंगे कुछ। मैं एक मिनट, नहीं जगदीश शर्मा आप अपनी अगर अपनी बात आप नहीं नहीं अगर आप अपनी बात पे कायम हैं तो ये दिखाता है कि आप एक अनावश्यक जिद कर रहे हैं। एक ऐसी ऐसा शब्द जो कि मर्यादा के दायरे से बाहर है, आप उसको नेशनल टेलीविजन पे बोल रहे हैं और उसको लेकर आप सॉरी बोलने से भी अगर पीछे हट रहे हैं तो मुझे लगता है कि एक ऐसी जिद है जो कि बहुत अनावश्यक है और ये होनी नहीं चाहिए। मतलब कम से कम आपको इतना ध्यान रखना चाहिए कि भाई आप 20 साल से, आपने खुद कहा कि मैं 20 साल से सार्वजनिक जीवन में हूं। जो आदमी 20 साल से सार्वजनिक जीवन में रहता है उसे पता होता है कि कहां पर कौन से शब्द और कहां क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है। बहुत सारे शब्द हैं जो कि अलग अलग मौकों पे लोग आपस में बोलते हैं, गालियां भी देते हैं लोग जब झगड़ा करते हैं तो, लेकिन क्या जब आप नेशनल डिबेट में बैठते हैं तो क्या गाली गलौज करेंगे? नहीं करेंगे ना। तो उसी ढंग से कौन से शब्द कहां बोले जाने चाहिए और कहां नहीं बोले जाने चाहिए, इसकी समझ आपको विकसित करने की जरूरत है। और मैं अगेन आपको कह रहा हूं कि नेशनल टेलीविजन और एक जिम्मेदार चैनल होने के नाते टाइम्स नवभारत, एक बार फिर से मैं कहना चाहता हूं यहां पे कि मैं और ये चैनल किसी भी तरीके से इस तरह की भाषा, इस तरह की बहस और इस तरह के किसी भी आचरण को बिल्कुल ही प्रमोट नहीं करता और उसकी इजाजत नहीं देता है। हम इसके बिल्कुल खिलाफ हैं। जरा एक बार जल्दी से देख लेते हैं कि लोगों की राय क्या है। आज जो हमने सवाल किए थे, जरा एक बार जल्दी से दिखा दीजिए। हमने सवाल किया था कि स्पीकर और डिप्टी स्पीकर को लेकर विपक्ष की चाल को आप कैसे देखते हैं, और इसमें से देखिए लोग क्या कर रहे हैं। विपक्ष जानबूझकर अड़ंगा लगा रहा है ऐसा मानने वाले लोग 70% लोग हैं, और 24% लोग कह रहे हैं कि मोदी को परेशान करने की चाल है, और बहुत कम लोग हैं जो मानते हैं कि उम्मीदवार उतारना विपक्ष का हक है। सिर्फ 6% लोग हैं जो मानते हैं कि यह विपक्ष का हक है, अब यह विपक्ष का अधिकार बनता है ऐसा करना। जरा सवाल नंबर 2 दिखाइए जल्दी से। सवाल नंबर 2 हमने पूछा था कि स्पीकर पद को लेकर ममता का स्टैंड क्या कहता है, और इसके जवाब में लोग क्या कह रहे हैं। 44% लोग कह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन में ये फूट पड़ चुकी है, और जैसा कि हमारे डिबेट में भी आपने देखा कि कांग्रेस और टीएमसी के नेता आपस में लड़ रहे थे, राहुल के नेतृत्व पर भरोसा नहीं ऐसा मानने वाले लोग 51% लोग हैं, और इसी तरीके से विपक्षी गठबंधन में सब ठीक है ऐसा मानने वाले लोग सिर्फ 4% लोग हैं। बाकी जरा सवाल नंबर 3 दिखाइए, लोग क्या कह रहे हैं। हमने सवाल पूछा था डिप्टी स्पीकर पद पर परंपरा तोड़ने के आरोप को आप कैसे देखते हैं, जो आरोप बीजेपी पे लगाए जा रहे हैं, एनडीए पे लगाए जा रहे हैं। तो बीजेपी परंपरा तोड़ रही है ऐसा मानने वाले लोग सिर्फ 4% लोग हैं, 50% से ज्यादा लोग मानते हैं कि कांग्रेस बेवजह मुद्दा बना रही है, और 45% लोग मानते हैं कि कांग्रेस संसद नहीं चलने देना चाहती है जिसकी शुरुआत हो चुकी है इस तरह के बेवजह के मुद्दों को तूल दे करके। तो ये है लोगों की राय और देश का मूड मीटर में आज इतना ही वक्त था। अब चलते चलते जल्दी से आज के जो मूड मीटर के 4 लकी वोटर हैं, जो विजेता हैं, एक बार उनका नाम भी दिखा देते हैं। और आज के जो 4 लकी वोटर हैं, जरा जल्दी से दिखाइए। अजय कुमार चौधरी आंध्र प्रदेश के हैं, और अमित कुमार पश्चिम बंगाल के। इनके मोबाइल का आखिरी 4 डिजिट आपके स्क्रीन पे है। इसके अलावा अरुण प्रधान उड़ीसा, और अशोक कुमार कौल जम्मू कश्मीर के हैं। इनको आज मूड मीटर की तरफ से मिलता है लकी वोटर का इनाम। तो मूड मीटर में आज इतना ही, लेकिन नवभारत पर खबरों का सिलसिला जारी। फॉर मोर ऑफ सच वीडियोस डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू ईटी नाउ स्वदेश।